Hello everyone, this is Trupti from Infinity Salon and Education and welcome back to our channel. आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नए और फ्रेश टॉपिक के साथ. और आज का हमारा टॉपिक है हेयर स्टाइल. आज हम आपको दिखाने वाले हैं एडवांस क्रिएटिव हेयर स्टाइल ऑन लॉन्ग हेयर, जिसे आप मेसी रोज बन भी कह सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले आपको इस हेयर स्टाइल के लिए क्रिम्पिंग मशीन, ड्रायर, होल स्प्रे, बॉब पिन, यू पिन, इनविजिबल पिन एंड टेलकॉम की ज़रूरत है. हेयर स्टाइल की शुरुआत करने से पहले हमने हेयर पर फ्लैट ब्लो ड्रायर और क्रिम्पिंग किया है. क्रिम्पिंग से बालों में वॉल्यूम आता है. हमारी डमी रेडी है विथ ब्लो ड्रायर एंड क्रिम्पिंग और हम भी रेडी हैं फॉर दिस हेयर स्टाइल. फर्स्ट हम डमी के हेयर को सेंटर प्रोफाइल एंड रेडियल सेक्शन में डिवाइड करेंगे. उसके बाद हम मिडिल क्राउन से एक कर्व सेक्शन बनाएंगे, कुछ इस तरह. इस सेक्शन को बनाने के बाद हम उसमें से छोटे छोटे सेक्शन लेके उसे बैककॉम्बिंग करेंगे. आपको यहाँ क्राउन पर बनाना है सो बैककॉम्बिंग अच्छी तरह करें. आप यहाँ हाफ इंच के सेक्शन लेके बैककॉम्बिंग करें. आपको यहाँ हल्का हल्का बैककॉम्बिंग करना है तो मेंटेन वॉल्यूम एंड बाउंस. बैककॉम्बिंग के बाद आपको होल स्प्रे यूज करना है. होल स्प्रे के बाद आपको हेयर को अच्छी तरह स्प्रेड करना है. एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका बैककॉम्बिंग नीट और क्लीन होना चाहिए. क्राउन सेक्शन में हमें ज़्यादा वॉल्यूम दिखाना है सो इसलिए हम यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शंस में बैककॉम्बिंग कर रहे हैं. और पूरे सेक्शन कंप्लीट होने के बाद उसे बॉब पिन से टाई करना है. आप यहाँ एक से ज़्यादा पिन भी यूज कर सकते हो फॉर प्रॉपर होल्डिंग ऑफ हेयर. लास्ट सेक्शन को आपको ज़्यादा बैककॉम्बिंग नहीं करना है क्योंकि ये सेक्शन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर टॉप एरिया. यहाँ इस सेक्शन पर हम पुलिंग टेक्निक से लाइंस क्रिएट करने वाले हैं. लास्ट सेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम उसे यू पिन से पिनअप करेंगे, कुछ इस तरह हम यू पिन लगाएंगे. सेक्शन को पिनअप होने के बाद हम शुरू करेंगे इस सेक्शन पर पुलिंग टेक्निक. यहाँ पर हमने यू पिन इसलिए लगाया है क्योंकि इस सेक्शन से हमें कुछ हेयर पुल करने हैं लाइंस क्रिएट करने के लिए. यू पिन लूज होने के कारण यहाँ पे लाइंस क्रिएट करना इजी हो जाएगा. यहाँ हम बहुत ही पतले सेक्शन लेके उसे पुल करेंगे और उसे होल्ड स्प्रे से लॉक करेंगे. होल स्प्रे होने के बाद हम यू पिन लगाएंगे. जिस शेप में हमने हेयर पुल किया है उसे होल्ड करने के लिए यू पिन यूज़ किया है. सेम टेक्निक आपको पूरे सेक्शन पर फॉलो करनी है. और याद रखिए, पुलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार होल्ड स्प्रे का यूज़ करें. आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपका सेक्शन इवन होना चाहिए और लाइंस भी इवन होने चाहिए. जितने आपके सेक्शन नीट एंड क्लीन होंगे उतना ही आपका लुक अच्छा होगा. सो प्लीज सेक्शन पर ध्यान दीजिए और पुलिंग भी प्रॉपर कीजिए. हमारा क्राउन एरिया अब रेडी है विथ लाइंस. अब शुरुआत करेंगे बेस के लिए जहां हमें फ्लोटिंग रोज बनाने हैं. यहां पर हम क्राउन सेक्शन के बचे हुए हेयर और नेप एरिया के कुछ हेयर को बैककॉम्बिंग करेंगे. यहाँ भी हमने बैककॉम्बिंग के लिए छोटे छोटे सेक्शंस लिए हैं क्योंकि हमारा बेस स्ट्रांग होना ज़रूरी है. सो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए. ये हेयर स्टाइल अगर आपको अच्छी तरह सीखनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. बैककॉम्बिंग के बाद नेक्स्ट हम फ्रंट के हेयर को थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट होगा टॉप स्क्वायर सेक्शन और सेकेंड लेफ्ट साइड सेक्शन, लास्ट राइट साइड सेक्शन होगा. सेक्शनिंग होने के बाद हम राइट साइड के हेयर को नीचे की तरफ धीरे से स्प्रेड करेंगे. स्प्रेड होने के बाद हम उसमें भी लाइंस क्रिएट करेंगे यूजिंग पुलिंग टेक्निक.
यहाँ भी आपको इवन लाइंस बनाने हैं। लाइंस बनाने के बाद हम हेयर को पीछे की तरफ टक करेंगे। यहाँ हमने टक करने के लिए बॉपिन यूज किए हैं। राइट साइड कंप्लीट होने के बाद हम टॉप एरिया के हेयर को बैक कॉम्बिंग करेंगे। यहाँ भी हमने बाउंस के लिए बैक कॉम्बिंग किया है। इस टॉप सेक्शन के हेयर को फॉल के हिसाब से आपको हल्का ट्विस्ट करके पीछे की तरफ टक करना है। टक करने के बाद आपको यहाँ भी लाइंस क्रिएट करने हैं यूजिंग पुलिंग टेक्निक। लाइंस बनाने के बाद होल्ड के लिए यूपिन्स यूज किए हैं। आपको यहाँ होल्ड स्प्रे का यूज करना है लाइंस को फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट हम लेफ्ट साइड के हेयर को हल्का सा नीचे के तरफ स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड होने के बाद हम इसे भी पीछे के तरफ मिडल में टक करेंगे। टक होने के बाद यहाँ भी लाइंस क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं बैक साइड। बैक साइड में हमें फ्लोटिंग रोज के साथ वेव्स बनाने हैं। रोज बनाने के लिए हमने मिडल में एक छोटा सा सेक्शन लेके हल्का सा फ्लैट किया है। हाथों से फ्लैट करके उसे होल्ड स्प्रे से फिक्स किया है। इसके बाद इस सेक्शन को फिंगर के साइड टर्न करके उसे राउंड शेप करना है। इस शेप को होल्ड करने के लिए हमने बीच में होल्ड स्टिक और सेक्शन पिन यूज किया है। सो इस वजह से ये छोटा बना हुआ रोल अच्छे से शेप में फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम साइड के हेयर के छोटे छोटे सेक्शंस लेके हल्के से नीचे के तरफ स्प्रेड करेंगे और उसमें वेव बनाएंगे। ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शंस हमें राइट और लेफ्ट साइड्स में लेने हैं। हमने यहाँ चार सेक्शंस लिए हैं, दो लेफ्ट साइड और दो राइट साइड। इसके बाद हम फिर से मिडल में एक रोज बनाएंगे। ये सेम प्रोसेस आपको करनी है एंड तक। हमने यहाँ पूरे हेयर पर चार रोज बनाए हैं। चाहो तो उसे कम या ज्यादा भी बना सकते हो क्लाइंट के हेयर की लेंथ देखकर। अगर आपके क्लाइंट की हेयर लेंथ शॉर्ट है तो आप हेयर एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो। इस हेयर स्टाइल को अगर आपको और अच्छा लुक देना हो तो आप इस पर छोटे छोटे बीट्स या एक्सेसरीज भी लगा सकते हो। चॉइस इज योर्स। प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखिए फॉर कंप्लीट एंड फाइनल लुक। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं ऑन हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, मेकअप, ब्यूटी। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करें। आप रोज़ फ्लावर बनाने से पहले उस सेक्शन को हल्का आयरन भी कर सकते हो। आपको यहाँ आयरन का टेम्परेचर 180 डिग्री तक रखना है। अगर आपने आयरनिंग का टेम्परेचर ज़्यादा रखा तो हो सकता है हेयर ड्राई या तो फिर डैमेज होने के चांसेस हैं। आपको इस रोज को बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी, इसलिए आपको सेपरेट भी फ्लावर बनाने की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। वेव्स बनाते वक्त आपको दो बातों पर ध्यान देना है। पहला तो सेक्शन क्लीन एंड प्रॉपर होना ज़रूरी है और दूसरा उसका फ्लो भी प्रॉपर होना चाहिए।
दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस हेयर स्टाइल. वेरी सिंपल एंड ईजी हेयर स्टाइल. तो आप भी इस हेयर स्टाइल को डमी पर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.